So guys, this is what I came for. तू चलाते रहते हो आप? चल रही है ना? पानी से चला रहे, मैं चला रहा हूँ। अरे 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 अरे, देखिए 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 देखिए। आरएस वाले भाई साहब रेस वाले मूड में आ गए, क्योंकि पहले स्लो चले हुए थे, इन्होंने देखा मैंने थ्रॉटल दिया, फिर ये भी तेज हो गए। आरएस वारे होंगी घर पे भाई, ये राम पे आ रही है। अरे आंटी जी साइड भी देखते हैं, रोड के नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा यार भयंकर। व्हाट इज शी डूइंग मैन, भाई क्या हो गया आजकल लोगों को? भाई इनको हॉर्न सुनाई नहीं देते, तो क्या हाल है भाइयों के? सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ ओडिंग वेल। मेरे को लगा पता नहीं किसने आवाज़ दी मेरे को। सो गाइस आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा जो थोड़ा थोड़ा डेकेल है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। एंड मैंने रीज़न पूछा था, तो रीज़न इसका ये बताया गया कि कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, लाइक विंटर्स में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए ये। मैंने ये वाली गलती कर दी है, अब आई डोंट नो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अभी सॉल्यूशन निकालने ही मैं टेपिंग वाली शॉप जा रहा हूँ। अरे भाई साहब बहुत रिस्की है, अगर मैं थोड़ा सा भी तेज़ होता तो कोलिजन होना पक्का था। नहीं आएगा यहाँ से, होशियार नहीं बनना ज़्यादा। तो गाइज अभी सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है इसका, जो निकल रहा था पार्ट उसको मेरे को काटना पड़ा है। बिकॉज क्या होता है ना कि जो पार्ट निकल रहा होता है उसके साथ साथ फिर पूरा का पूरा ही निकल जाता है, तो जो एजेस निकल रहे हैं उनको अगर काट दो तो पीछे का डेकल सेफ रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ा थोड़ा डेकल काटना पड़ा है, बट चलो कोई बात नहीं है। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा अपनी बाइक के लिए, वो मैं खुद ही कस्टमाइज़ करूँगा, कोई प्री डिज़ाइंड डेकल इंस्टॉल करूँगा। अब जो भी करूँगा वो खुद के दिमाग से करूँगा, खुद के मतलब इमेजिनेशन से करूँगा, विल सी क्या आउटपुट आता है। जो गलती मैंने करी है विंटर्स में डेकल इंस्टॉल करवाने की, वो प्लीज़ आप ना करें, बिकॉज आपके पैसे वेस्ट होंगे, डेकल के पैसे अलग वेस्ट होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आप पे करते हो वो अलग वेस्ट होंगे। एक और बात गाइस, अभी जो 12th है, मतलब दिस कमिंग संडे आई विल बी एट पालमपुर, एक हीरो का इवेंट है। अरे भाई 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 भाई, जिसमें उन्होंने मेरे को इनवाइट करा है, सो आई विल बी एट पालमपुर ऑन 12th, नॉट पालमपुर, ठाकुर द्वारा। तो आप इंस्टा पे मेरे स्टोरीज चेक कर सकते हो, आप मेरे को मिल सकते हो वहाँ पे, आप भी पार्ट ले सकते हो। बट उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन है, आपको इनको पहले DM करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा मेरा, और उसके बाद आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, फ्री में आप इसमें पार्ट ले सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अरे 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 अरे, देख के देख के देख के देख के भाई, देख के गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा बहुत आया था बट चलो बच गए, कुछ नहीं हुआ। सो गाइस अभी हम इस लोकेशन में, भाई क्या बता रहा था इसके बारे में? ये भाई राजू के टाइम की है, मतलब ज़्यादा डुई है, मतलब राजू के टाइम। ओ तू आ रहा फंबल, बड़े डर क्यों रहा है इतना? कुछ नहीं, कैमरे थोड़ा सिर्फ। सो गाइस ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे राजा के टाइमों की है, सो आई जस्ट होप कि आपको स्टेयर्स दिख रही होंगी, नीचे तक स्टेयर्स है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे राजा वगैरह नहाते थे और बड़ी डुगी है, तो अंदर जाएगा नहीं जाएगा? इधर तक चल जा, पैंट ऊपर करके खिसकनी है ना, खिसकी की रहने, रिस्क कर रहे। गाइस यही से दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे कुछ है। रॉयल मेरे को तो डर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, वो देखो वो स्टेयर दिख रही है बेग, और उसके आगे फिर पूरा डार्कनेस है। सो गाइस वो वाली जगह थी और अभी हम आगे जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मेरे पास अभी कैमरा माउंट करने के लिए भी कुछ नहीं है, हाथों में पकड़ के मैं कैमरा लेके चला हूँ, और अभी मैं रिवील नहीं करूँगा कि क्या प्लान्स हैं। तो यू जस्ट स्टे ट्यून्ड, अभी मैं बना भी रॉ ही हूँ पूरा, तो शक्ल वगैरह थोड़ी अवॉइड करना, बट जो हम करने जा रहे हैं अभी आगे, मज़ा आने वाला गाइस। सो गाइस दिस इज़ व्हाट आई केम फॉर, डैम नहीं, वैसे तो वाटर सोर्स है बट हम यहाँ के लोग डैम बोलते हैं इसको।
और अभी मैं जब बात बताने वाला हूँ उससे आप सारे सरप्राइज हो जाओगे कि वो जो बोट है ना हम उसमें मतलब घूमने वाले हैं और डैम के बीच में जाने वाले हैं। बाकी तुम देख सकते हो कितनी सुंदर जगह है, वो आगे तक स्प्रेडेड है भाई साहब, डर लग रहा है मेरे को। और सुंदर जगह है। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं। ये तो निकल गया डंडे, फिर डूब जाएंगे और क्या। हाँ बस बस ऐसे 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 चला ऐसे। हाँ तो चलाते रहते हो आप? प्रोफेशनल तो बाइक और इसमें दिन रात का फर्क है। चल रही है ना? हाँ, पानी चल रहा है, मैं चला रहा हूँ। तो पानी थोड़ी डूबेगा, खुद ही डूबेंगे। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है बट ठीक है। वो देखो देखो बच्चा, मेरी वाली साइड को ज्यादा बोट आ गई हुई है और उसके ऊपर है। ले चले ले ले चले ले 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 ले। आरएस वाले भाई साहब रेस वाले मूड में आ गए, क्योंकि पहले स्लो चले हुए थे, इन्होंने देखा मैंने थ्रॉटल दिया है, फिर ये भी तेज हो गए। आरएस वारएस होंगी घर पे भाई, ये राम प्यारी है। इज ही स्टिल अप्रोचिंग मी? दिख नहीं रहे मिरर पे भाई साहब, मैं नोटिस ही कर रहा था बिकॉज वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चले हुए थे आरएस वाले भाई, और जैसे ही उन्होंने मतलब मेरा सुना, मतलब एग्जॉस्ट नोट सुना कि भाई ये तो थोड़ा मतलब थ्रोटल रेव कर रहा है, उन्होंने भी भाई दे दिया कि नहीं यार इसको तो आगे नहीं निकलने दूंगा मैं। बट फिर हम बॉयज़ में क्या होते हैं कि वो बात लग जाती है कि भाई ये आगे कैसे जा रहा है, तो फिर मैंने भी गेट डाउन किया। रे आंटी जी इस साइड भी देखते हैं, रोड के नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा यार, छोड़ो क्या बोल सकते हैं। फिर लोग बाइकर्स को ब्लेम करते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो कि तुमने नहीं देखा। भयंकर, व्हाट इज शी डूइंग मैन, मेन रोड पे चली गई वाली आंटी। भाई साहब आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। भाई क्या हो गया आजकल लोगों को, कर क्या रहे भाई, या तो मेरा दिन खराब है या फिर लोगों के दिमाग खराब है। एवरीवन लाइक एवरीवन, सुबह से मैं देख ही जा रहा हूँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए ना मेरे साथ, तुमने इस वीडियो में देखा होगा, बहुत कुछ हुआ आज, बहुत ही ज़्यादा कुछ। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वाला वीडियो मैंने दो वीडियोस मिक्स करके बनाया है, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइस। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।